प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स पे। दोस्त, आज जो लिखाएंगे ये काफी अच्छा पॉइंट है। जब इसको बनाओगे, जब क्वेश्चन को बनाओगे, जब प्रॉब्लम को बनाओगे, सवाल को बनाओगे, तो आपके लिए मैथ ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जब तक ये मैथड आप ध्यान में रखिएगा, नहीं रखिएगा तो आप सवाल को बनाते बनाते फंस जाओगे। और जैसे ही लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ, वैसे आप इसको ध्यान में रख लोगे तो आप सवाल को बनाने में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो आई होप कि हम कहीं आपको बोल रहे हैं तो आप आपको मिलिएगा। एकदम सिंपल है, एक ही जैसा सब लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इनवर्स निकालने के लिए कुछ तरीका है, वही चीज आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू फाइंड आई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक आई प्राप्त करना, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करना। और लेफ्ट हैंड साइड में व्हेन मैट्रिक्स इक्वेशंस इज ए बराबर आई ए लिखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे समझ जाना है दोस्त कि ये रो ऑपरेशन का पूरा लगाया गया है। और अभी हम रो ऑपरेशन करके हमें इनवर्स निकालना है प्यारे बच्चों, तो उसका क्या तरीका है, नई तरीका है, पूरा एक्सप्लेन किया करेंगे। आप देखते जाइए और मेरे चैनल पे आप नए नए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें लिंक को। चलिए प्यारे बच्चों देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हो वर्किंग रूल बनाने का तरीका। अरे ये बराबर आइए लगाया गया है रो ऑपरेशन का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप आई को हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स इक्वेशन आपका ये है, आपको ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स ये है इसको आपको आई मैट्रिक्स में बदलना है। आपको एग्जांपल भी बताएंगे, देखते जाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये होता है सबसे पहले मैं ए वन वन यूनिटी करेंगे, मतलब ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट रहेगा दोस्तों उसको यूनिटी मतलब वन करेंगे। और वन कैसे करेंगे, तो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन का उपयोग करके भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखाया गया है वो चीज का उपयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं आपका ये 5, 6, 2, 3 2x2 ऑर्डर का ले लिया गया। आगे यहाँ पे कुछ रहेगा मैट्रिक्स आपका 1, 0, 0, 1 ये रहेगा। अगर ये फॉर्मूला जो है ये बराबर आई है, ये मैट्रिक्स ये है, आई का मान आपको ये रखना है, यूनिट मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का है तो आपको भी यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का रखना होगा। और ये का यहाँ पे आपको ये भी ये है लेकिन आपको यहाँ पे ये रखना है, ये को यही रहने दे रहे हैं, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स कोट नहीं करना है दोस्तों। तो ये जो मैट्रिक्स है आपको इसको यूनिट मैट्रिक्स को बदलना होगा, ये मैट्रिक्स को आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं A11 को यूनिटी मतलब 5 को आपको 1 करना है। तो 5 को प्यारे बच्चों 1 करना है, तो आप समझ सकते हैं कि 5 को 1 किसे करेंगे, जब हम फर्स्ट रो में 5 से भाग कर देंगे तब जाके आपका 1 हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेप आम खत्म, सेकंड स्टेप में देन मैप ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, देन मैप ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे खाली है इसका मतलब ये नहीं कुछ लिखेंगे, आपको यहाँ के बाद यहाँ से लिखना है देन मैप ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जितना सारा है फर्स्ट कॉलम है ना, इसके एलिमेंट को 0 करेंगे। एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट A11, A11 को दोस्तों A11 का एलिमेंट ये है ना, ये वनों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट को छोड़ करके फर्स्ट कॉलम का इतना सारा एलिमेंट रहेगा सबको 0 करेंगे। लेकिन 0 कैसे करेंगे, आप यूनिट पॉइंट को ध्यान रखें, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो का उपयोग करेंगे, ये एलिमेंट को छोड़ करके फर्स्ट कॉलम का इतना सारा एलिमेंट रहेगा प्यारे बच्चों उसको 0 करेंगे। बेटा देखो थर्ड में क्या है, नाउ मेक A22 यूनिटी, A22 का कौन है बेटा, A22 आपका ये है तो इसको यूनिटी करेंगे, ये यूनिटी कैसे होगा, जब बीच से भाग करेंगे तो ये आपका यूनिटी हो जाएगा। अब भाग दोनों तरफ करना है, बस आपको रफ में लेकर के बता रहे हैं काम इसी तरह। तो ये टू जब आपका यूनिटी हो जाएगा थर्ड स्टेप देखिए, फिर मैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ
सेकंड कॉलम, तो आपका सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, ये है। तो सेकंड कॉलम में कितना सारे एलिमेंट है, सबको जीरो करेंगे इसको छूट करके, लेकिन सेकंड कॉलम के एलिमेंट को जीरो करेंगे इसको छूट करके, आप किसका हेल्प लेंगे, तो सेकंड रो का हेल्प लेंगे। देखो लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो, टू बाय टू ऑर्डर का रहेगा, तो यहाँ पे आपका बर्केट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये थ्री बाय थ्री का होगा, इसी तरह हो जाएंगे। फिर मैं ऑल एलिमेंट नाउ, अब क्या करते हैं, मैं ए थ्री थ्री को यूनिटी करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके, उसके बाद मैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम जो रहेगा उसके एलिमेंट को जीरो करेंगे थर्ड रो का उपयोग करके। तो इस प्रकार आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आ जाए, ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स बदल जाएगा, प्रोसेस के अनुसार नियम जो इधर करेंगे वो उधर करेंगे, आपको यूनिट मैट्रिक्स बदल जाएगा अदर मैट्रिक्स में। तो जो यही मैट्रिक्स रखता है, जो यूनिट मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स में बदलता है प्यारे बच्चों, वही आपका इनवर्स कहलाता है। सवाल बताएंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए तो देखिए भैया, जो अभी आपको लिखाया गया था कि हाउ टू गेट आई और लेफ्ट हैंड साइड, उसका जो रूल बताया गया था वो रो ऑपरेशन का था। कारण की यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पॉइंट आपको बताया गया है फॉर्मूला रो ऑपरेशन ए बराबर आई ओ, ऊपर में जो लिखाया गया था आपको हेडिंग ए बराबर आई ए, तो वो आपको रो ऑपरेशन कैसे कैसे कुछ सवाल में करना था वो आपको बताया गया था। कॉलम ऑपरेशन बेटा, कॉलम ऑपरेशन का फॉर्मूला ये होता है, जब कॉलम ऑपरेशन का लगाओगे तो रो का जस्ट रिवर्स कर देना, वो आपका रूल बन जाएगा कॉलम ऑपरेशन का। तो आप कॉलम ऑपरेशन का वही रो ऑपरेशन का जो रूल लिखाया गया था उसी को आप कन्वर्ट कॉलम में कर सकते हैं हल्का चेंज करके। चलिए कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले की गेट यूनिट मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो जिससे अभी बता रहे थे, जो रूल के अनुसार आपको स्टेप स्टेप लिखाया गया स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट के अनुसार कहीं आपका लेफ्ट हैंड साइड में आप वो नियम को लागू कर दिया, बना रहे सवाल को स्टेप स्टेप करके, और स्टेप स्टेप करके बनाने के बाद आप कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपका यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, व्हाट्स मैट्रिक्स आ जाता है, ए बी गेट यूनिट मैट्रिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप कहीं यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त कर लेते हैं, देन ऑब्टेन मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपका मैट्रिक्स प्राप्त होगा, उसी को कहते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उसी को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको डिनोट किया जाता है ये इन्वर्स। आप फॉर्मूला लगाए रो ऑपरेशन का बनाने के लिए स्टार्ट किए हैं, जो जो नियम विधि लिखाए थे उस विधि से आप बना रहे हैं, बनाते बनाते आपका लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आएगा वही मैट्रिक्स को ये इन्वर्स बोला जाता है, उसी को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। ध्यान रखिए, देखिए फॉर्मूला रो ऑपरेशन का क्या होता है, ए बराबर आई ए, और फॉर्मूला कॉलम ऑपरेशन का क्या होता है, ए बराबर ए आई, यहाँ पे आई ए, यहाँ पे ए आई, यहाँ पे आई पहले, यहाँ आई बाद में। चेक करने का आपका तरीका बता रहे हैं, जैसे आप कोई मैट्रिक्स का ये इन्वर्स निकाले तो चेक आप कैसे कर सकते हो, देखिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये इन्वर्स बराबर कहीं आई आ जाए आपको, या तो ऐसा हो ये इन्वर्स बराबर कहीं आई आ जाए, कोई भी नियम लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला उपयोग कर सकते हो, या भी आपका फॉर्मूला है, और कहीं आई आ जाएगा मतलब बिल्कुल इन्वर्स सही निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इन्वर्स या तो इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल जो है, इन्वर्स मैट्रिक्स आपका जो पॉसिबल है, वाली जो बेटा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्यारे बच्चों किसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, समझ गया। चलिए आगे देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स बिकम जीरो, ये भी पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, इफ ऑल एलिमेंट, जिसे हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हमने रो ऑफ कॉलम ऑपरेशन से बनाने के लिए स्टार्ट किया, बनाते जा रहे हैं, बनाते बनाते क्या है कि कहीं कोई रो का आपको कोई कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान ऑल एलिमेंट्स कहीं जीरो हो जाता है दोस्तों, तो कहीं कोई रो का कॉलम का ऑल एलिमेंट जीरो हो जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान, तो आपका बेटा ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन तब करेंगे,
तो सारा एलिमेंट्स कोई रो का तो कोई कॉलम का जीरो नहीं होना चाहिए, कहीं हो जाता है तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करेगा, और जब नहीं होगा तब करेगा। तो ये आपका बहुत बढ़िया पॉइंट था। अब ये सब सारी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, बना प्रॉब्लम को बनाते बनाते ये सब सारी चीजों को उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, चलिए प्यारे बच्चों आप देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपको लिखा दिया गया। आप आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सवाल बताएंगे कैसे उसको बनाना है, लेकिन जो भी आज बताया गया है अभी से आपका तीन को लेक्चर हुआ जो कॉन्सेप्ट ओनली कॉन्सेप्ट बताने हैं, चौथा लेक्चर में आपको सवाल बनाने के लिए बताया जाएगा, लेकिन सवाल बनाने के पहले आपको बता देते हैं रो ऑपरेशन का, रो ऑपरेशन का, रो ऑपरेशन का, रो ऑपरेशन का बेटा फॉर्मूला आपको क्या लिखाए हैं, ए बराबर आई, जो हम फॉर्मूला ए बराबर आई लगा दिए हैं, तो ये फॉर्मूला रो ऑपरेशन का लगाए हैं, तो वही यही फॉर्मूला में आप कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते। और जब फॉर्मूला आप कॉलम ऑपरेशन का लगाओगे, कॉलम ऑपरेशन का ए बराबर ये आई होता है, तो ये फॉर्मूला में हम रो ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये चीज को जरा ध्यान में रखना आपको। उसके बाद इतना बता देने के बाद